सामीन, आज हम बात करेंगे ख्वातीन में हार्मोन का बैलेंस ख़राब हो जाना, जिसमें ख्वातीन का निज़ाम तोलीदगी, नस्वानी हार्मोन के तनासब और अय्याम हैज के बढ़ने और घटने की वजह से चलता है। इस निज़ाम को सहल अंदाज में चलाने और इसे मोतदिल सतह पर रहना बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें बिगाड़ यानी हार्मोन का बैलेंस बरकरार ना रहे तो ख्वातीन बहुत सी पोशीदा अमराज का शिकार हो जाती हैं। अगर आप भी इन मसाइल का शिकार हैं या इससे मुतल्लक रहनुमाई और इसके इलाज के लिए मेडिसिन जानना चाहती हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को देखने से पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन पर भी क्लिक कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जी सामईन, अब हम आते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जिसमें ख्वातीन का हार्मोन बैलेंस डिस्टर्ब हो जाना, जिसकी वजह से ख्वातीन मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हो जाती हैं, जैसा कि चेहरे पर कील, मुहासे, दाने और चेहरे पर बालों का निकल आना, पीरियड में बाकायदगी, जिस्म का बेढंगा हो जाना और जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा की शेप ख़राब हो जाना, नस्वानी हुसन में कमी, लिकोरिया, रहम की खराबी, वज़न का तेज़ी से बढ़ना, सर के बालों का गिरना और बहुत से पोशीदा अमराज भी शामिल हैं। अगर ये अलामत आप में भी हैं तो फौरन आपको अपने डॉक्टर से रजू करना चाहिए, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा बहुत सी ख्वातीन चेहरे पर एक्नी और चेहरे पर बाल आ जाने या सर के बालों के गिरने के लिए काफ़ी मेडिसिन इस्तेमाल करती हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके ये मसाइल हार्मोन के बैलेंस के बिगड़ने की वजह से बन रहे होते हैं। जब तक वो हार्मोन का बैलेंस ठीक नहीं करेंगी या इसका ट्रीटमेंट नहीं लेंगी तो वो इन मसाइल से छुटकारा नहीं पा सकती। जी अब आते हैं हम आज इसके इलाज की तरफ, जो होम्योपैथिक की बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है, जिसको डॉक्टर हार्मोन की इस्लाह के लिए यानी बिगड़े हुए हार्मोन के बैलेंस को ठीक करने के लिए ख्वातीन को तजवीज़ करते हैं, जिसका नाम है HR-51। ये मसूद होम्योफार्मा की बनी हुई है और बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है, जो हार्मोन के बैलेंस को बरकरार रखने के लिए बहुत ही नायाब दवा समझी जाती है, जिसकी मैंने तस्वीर भी लगा दी है ताकि आप इसे देख भी सकें। अगर आपके हार्मोन का तनासब काफ़ी अरसा से बिगड़ा हुआ है तो आप देखेंगे कि इस दवा के चंद दिन के इस्तेमाल से ही आपका हार्मोन का लेवल ठीक हो जाएगा। और ये मेडिसिन मुख्तलिफ अदवियात का कम्बिनेशन है, जिसके बारे में अगर मैं मुख्तसर सा आपको बताता भी चलूँ, जिसमें जो फर्स्ट नंबर पे जो मेडिसिन डली हुई है उसका नाम है हाइपोफाइसिन। ये मेडिसिन ख्वातीन में माहवारी की जुमलाई तकालीफ को दूर करने की बेहतरीन मेडिसिन समझी जाती है। सेकंड नंबर पे जो इसमें मेडिसिन है वो है ओवारिन। ये हार्मोन की खराबी की वजह से बेजदान और चेहरे पर दाने दूर करने में बेहतरीन मेडिसिन समझी जाती है। थर्ड नंबर पे जो मेडिसिन डली हुई है उसका नाम है पेनाक्रोटिनम। ये मेडिसिन खाने के बाद पेट में दर्द और पेट के दीगर जुमलाई अमराज में मुफीद है। इसके अलावा ये गज़ा को जिस्म का जुजू बनाकर ताकत में इजाफा करती है। चौथे नंबर पर जो मेडिसिन डली हुई है उसका नाम है सुपर अरिनल। ये हार्मोन्स खारिज करने वाली गदूदों की कारकर्दगी को बढ़ाती है, जो हार्मोन को मनासब लेवल पर लाने में बहुत ही अहम करदार अदा करती है। फिफ्थ नंबर पर जो मेडिसिन है उसका नाम है थाइमस वल्गैरिस। ये मेडिसिन बच्चादानी पर असरअंदाज होकर इसके अफाल को बेहतर बनाती है, बाद अवकात इसकी वजह से भी हार्मोन का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। लास्ट जो इसमें मेडिसिन डली हुई है इसका नाम है थायरोडिनम। यह मेडिसिन इंसानी जिस्म के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने की बेहतरीन मेडिसिन है। ये तमाम मेडिसिन होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसका किसी भी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है।
अगर इसकी पैकिंग की बात की जाए तो ये 20 ml की पैकिंग है और ड्राप की शक्ल में आती है। इसका तरीका इस्तेमाल भी बहुत आसान है। आपने सुबह नाश्ते से आधा घंटा पहले, दोपहर को खाने से आधा घंटा पहले और इसी तरह रात को खाने से तकरीबन आधा घंटा पहले, यानी सुबह भी इसके 15 कतरे थोड़े से पानी में आपने डाल कर पी लेने हैं और फिर आधे घंटे के बाद आप नाश्ता खाना वगैरह ले सकती हैं। और अगर आप भूल जाएं, मतलब पहले भूल जाएं, तो आप इसे बाद में भी ले सकती हैं। बाद में यानी फिर खाने की अगर बात लेनी है तो फिर भी ये तकरीबन 30 से 40 मिनट के बाद ले। ये आपको मिलेगी कहाँ से? ये आपको किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से बआसानी मिल जाएगी। अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो कोई महंगी भी नहीं है, तकरीबन ये आपको 80 से 90 रुपीज़ के दरमियान मिल जाएगी। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई दुश्वारी हो तो मैंने देखा है कि ये दराज पर भी ऑनलाइन अवेलेबल है, मैं उसका भी आपको लिंक दे दूँगा, आप इसे दराज से भी ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं। इसके चंद दिन के इस्तेमाल से ही आप देखेंगे कि आपका हार्मोन लेवल ठीक हो जाएगा। जब ये ठीक हो जाएगा तो इससे मुतलका तमाम बीमारियां जो आपकी जान नहीं छोड़ रही तो वो भी ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा सामिन, अगर आपके बाल बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं तो इसके लिए भी हमने एक अलग वीडियो भी बनाई हुई है जिसमें हमने मेडिसिन भी बताई है जो आपके बाल, चाहे वो मतलब हार्मोन के बैलेंस के बिगड़ने की वजह से ही क्यों ना गिर रहे हों, तो इंशाल्लाह वो देखेंगे आपके उस मेडिसिन के इस्तेमाल से आपके बालों का मसला भी हल हो जाएगा। अगर आप एक्नी का शिकार हैं तो इसके लिए भी हमने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है जिसमें हमने मेडिसिन भी बाकायदा बताई है एक्नी के ट्रीटमेंट के लिए। तो ये दोनों वीडियो आप देख सकते हैं अगर इस मुतलका अगर आप नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा, तो आप इसे वहाँ से देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपके माइंड में बिगड़े हुए हार्मोन से मतलब किसी भी किस्म का कोई सवाल हो या ऐसी बात जो हमने वीडियो में डिस्कस ना की हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। आपके पूछे गए तमाम सवालात का जवाब हमारी मेडिकल टीम ज़रूर देगी। अगली वीडियो तक आप हमें इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।